Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ. क्रिमिनोलॉजी का एक टॉपिक है प्री क्लासिकल स्कूल. तो आज हम अपने वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि प्री क्लासिकल स्कूल क्या बताता है. तो प्री क्लासिकल स्कूल को बताने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि स्कूल किसे कहते हैं, क्योंकि ये जो प्री क्लासिकल है इसमें हमने ऐड किया हुआ है प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी किसे कहते हैं. देखिए, सबसे पहले जो सुदरलैंड थे, सुदरलैंड ने जो है स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की टर्म को जो है पॉइंट आउट किया था. उन्होंने कहा जो स्कूल होते हैं एक तरीके के वो सिस्टम ऑफ थॉट्स हैं. क्या है वो? एक सिस्टम ऑफ थॉट्स हैं जो कि ये बताते हैं किसी भी क्राइम के क्या क्या कारण हैं और हम उन्हें किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. तो एक तरीके से क्या हुए स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो ये चीज़ बताते हैं कि क्राइम के क्या क्या कॉजेज थे और हम पनिशमेंट के थ्रू उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो सोसाइटी होती है वो टाइम टू टाइम जो है चेंज होती रहती है. तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों का एटीट्यूड भी जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. तो डिफरेंट टाइम्स में जो है डिफरेंट लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी पेश की है कि क्राइम के क्या क्या कॉज होते हैं और उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये जो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी है इसी को हम स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं. क्रिमिनोलॉजी में भी बहुत सारे स्कूल हुए हैं. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्कूल का मतलब है कि वो थॉट जो कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है कॉजेज जो कि क्राइम के हैं और हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी किसे कहते हैं. तो अब हम शुरू करेंगे प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. एक बार और बता दूं कि जब आप प्री क्लासिकल लिखेंगे तो उससे स्टार्टिंग में आपको एक पैराग्राफ देना पड़ेगा जो कि ये बताएगा कि स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी किसे कहते हैं. उसके बाद आप फिर प्री क्लासिकल के बारे में लिखना शुरू करिए. तो जो हमारा एंशियंट पीरियड था और जो हमारा अर्ली मेडिवियल पीरियड था जो कि रिप्रेजेंटेड होता था 17th और 18th सेंचुरी से, उस टाइम पे जो हमारे रिलीजियस टेनेट थे वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में डोमिनेट कर रहे थे. तो जो ह्यूमन की थिंकिंग थी वो बिल्कुल उनके रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं या जो रिलीजियस में कहा गया था उससे ही जो है उनकी कंट्रोल होती थी. जिस तरीके से इंडिया में जो है हम अपने ऋषि मुनियों साधु संन्यासियों की बातों को सुनते हैं, उसी तरह से यूरोप में जो थे चर्च में पोप की बातें बड़े ध्यान से मानी जाती थी और वो वहाँ के धर्म गुरु होते थे. तो यहाँ पे प्री क्लासिकल स्कूल कहता है कि जो क्राइम का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो रीज़न है एविल स्प्रिट. उन्होंने कहा कि जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो बाय नेचर बहुत इनोसेंट होते हैं. अगर वो क्राइम करते हैं तो वो किसी एक्सटर्नल सुपर पावर की वजह से करते हैं और इन्हीं एक्सटर्नल सुपर पावर को या तो हम एविल स्प्रिट कहते हैं या फिर हम जो है इन्हें डेमन कहते हैं. तो अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया तो हम मानते थे कि दैट इंडिविजुअल इज पसेस्ड बाय एविल स्प्रिट. इसका मतलब उसके ऊपर जो है भूत प्रेत का साया है जो कि उससे जो है ये क्राइम करा रही थी. तो जो प्री क्लासिकल स्कूल था उसने कहा कि क्राइम करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम एविल स्प्रिट के इन्फ्लुएंस में आके क्राइम कर रहे हैं. यहाँ पे उन्होंने फ्री विल को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी. फ्री विल क्या होती है कि जब हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और उसके हिसाब से जब हम कोई क्राइम करते हैं तो वो कहलाती है कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं. लेकिन प्री क्लासिकल स्कूल ने जो फ्री विल थी उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ एक कॉज बताया कि अगर ह्यूमन बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एविल स्प्रिट है वो तभी जो है क्राइम करता है. और ये वाला जो कंसेप्ट था उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था.
इसीलिए कोई अटेम्प्ट उस वक्त नहीं बनाया गया कि हम जो क्राइम के रियल कॉज हैं उनको प्रॉब करें, उन्हें इन्वेस्टिगेट करें। क्योंकि आज के इसके हिसाब से देखें तो क्राइम के बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, या आपका एसोसिएशन ऑफ अदर पर्सन कैसा है, तो बहुत सारे मल्टीपल रीज़न होते हैं। लेकिन उस वक्त प्री क्लासिकल स्कूल ने माना कि वो सिर्फ एविल स्प्रिट की वजह से ही होते हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत लिटिल अटेंशन पे करी क्राइम के रियल कॉज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब जब क्राइम हो जाता था तो हम क्या करते थे कि वो जो इंडिविजुअल जिसने क्राइम किया है उसको अपनी इनोसेंस को सिद्ध करने के लिए बहुत ही बार्बियस और बहुत ही मुश्किल वाली जो है पनिशमेंट से गुजरना होता था। उनको बहुत ज़्यादा पूजा करनी पड़ती थी, उन्हें जो है बलि देनी पड़ती थी, और उनको खोलते हुए पानी में फेंक दिया जाता था, उनको जलती आग से जो है गुजरना पड़ता था। जो इस सजा को पूरी कर लेते थे सक्सेसफुली, उन्हीं को माना जाता था कि वो लोग जो है इनोसेंट है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो पनिशमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है क्रूअल पनिशमेंट होती थी, जबकि आज के मॉडर्न एज में इस तरह की क्रूअल पनिशमेंट का कोई भी जो है प्लेस नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे को बताता है कि उस टाइम मोनार्क होते थे, मोनार्क मीन्स जो किंग होते थे, वहाँ पे किंग को जो है डिवाइन का ही एक तरीके का रूप माना जाता था। माना जाता था जो किंग काम करते हैं वो डिवाइन पावर के कहने से ही करते हैं, इसलिए हर किसी का ये ऑब्लिगेशन है, हर किसी की ये ड्यूटी है कि उन्हें मोनार्क के हर स्टेटमेंट को मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए मोनार्क की बड़ी अर्बिट्रेरी पावर होती थी और वो डिक्टेटरशिप में जो है वर्क करते थे। तो मोनार्क जो पनिशमेंट दे देता था वो सबको माननी होती थी, और उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो जो थे कोई भी पाप या सिन नहीं करते थे, और उस वक्त वहाँ पाप को जो है एक तरीके का क्राइम ही माना जाता था। तो ये थे मेन मेन पॉइंट ऑफ प्री क्लासिकल स्कूल के। अगर हम इसकी इंडिया में पोजीशन देखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे एंशियंट इंडिया में भी जो है ये वाली थ्योरी जो है काफ़ी प्रिवलेंट थी। आपने रामायण में भी देखा होगा कि सीता जी ने किस तरीके से अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए जलती आग में से वो निकली थी। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए उन्हें जलती आग में से गुजरना पड़ा था। और जो मनु है उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा था कि ये जो ऑर्डील बनाई गई है कि खौलते हुए पानी में डाल दो या फिर आपको जलती आग से जो है गुजरना है, ये सारी क्रिएशन जो है ब्रह्मा ने की है। और इसीलिए इवन गॉड भी और जो हमारे महान ऋषि मुनि थे और जो हमारे थॉटफुल पर्सन थे सभी ने इन चीज़ों की जो है प्रैक्टिस की है। और वशिष्ठा और वत्स ने भी जो महान ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने भी इस तरह के टेस्ट, इस तरह की ऑर्डील को ट्राई किया और वो सक्सेसफुली उसको जो है पास किया। तो इस तरीके से उन लोगों ने भी गलती होने पे जो है इस तरह की सजाए को जो है एक्सेप्ट किया था, और वो बिल्कुल इनोसेंट थे इसलिए उनको इस तरह की सजा से कोई भी फर्क नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं यूरोप ही नहीं बल्कि इंडिया में भी जो है ये प्री क्लासिकल स्कूल जो है एंशियंट इंडिया में बड़ा प्रेवलेंट था। तो लेकिन ये जो आपने जब मैं बता रही हूँ तभी आपको लग रहा होगा कि ये जो प्री क्लासिकल स्कूल है यहाँ पे जो पनिशमेंट थी वो बहुत ही बार्बरियस थी और यहाँ पे कोई भी रेशनल थिंकिंग नहीं नज़र आती है। इसीलिए जैसे जैसे नॉलेज का डेवलपमेंट होता रहा उसी तरह से प्री क्लासिकल स्कूल भी विदर्ड होता रहा, मतलब उसकी जो वैल्यू थी वो बिल्कुल धीरे धीरे कम हो गई। तो इसमें बहुत सारी शॉर्ट कमिंग थी, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत सारे क्रिटिसाइज भी की है। तो सबसे पहले क्रिटिसाइज इसकी क्या है कि इट वॉज नॉट प्रूव साइंटिफिकली। देखिए ये जो प्री क्लासिकल कंसेप्ट था इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं था, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था जो उनके धर्म गुरु ने बताया था कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो क्राइम का जो एक्ट है और जो क्रिमिनल का बिहेवियर है वो सिर्फ एक ही वजह से होती है कि उनपे एविल स्पिरिट या भूत प्रेत का साया है। तो इस बारे में, और आजकल तो हम भूत प्रेत को बिल्कुल मानते ही नहीं है,
तो इसका मतलब इस कंसेप्ट के पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं था। सेकंड है नो इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्री विल। जो प्री क्लासिकल स्कूल के थ्योरिस्ट थे उन्होंने फ्री विल को बिल्कुल भी नहीं माना। ये थ्योरी की सबसे बड़ी वीक पॉइंट था, क्योंकि इंसान जो भी काम करता है वो किसी एविल पावर की वशीभूत होके नहीं करता, बल्कि अपनी विल से करता है। उसको पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, फिर भी वो जो है कभी कभी गलत को चूज करके जो है क्राइम करता है। लेकिन इस कंसेप्ट को जो है प्री क्लासिकल स्कूल ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ क्राइम वाज रेदर वे। इन्होंने जो है जो प्री क्लासिकल स्कूल था उसने जो क्राइम का एक क्लियर कंसेप्ट ही नहीं दिया, उन्होंने उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताई, उन्होंने क्राइम के क्या रीजन थे ये नहीं बताए, पनिशमेंट में हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं ये नहीं बताया, क्रिमिनल और किस किस फैक्टर्स के वशीभूत होकर क्राइम करता है ये भी कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने जो कुछ भी क्राइम के बारे में बताया वो एक सर्टेन लेवल पे उसकी कोई भी सर्टेनिटी नहीं थी, वो बहुत एम्बिजियस था और वो बहुत ही वेग था। बस उन्होंने ये चीज़ बता दी कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके क्राइम करने का एक्ट ही बताता है कि वो जो है किसी एक्सटर्नल सुपर पावर के अधीन है जिसकी वजह से क्राइम कर रहा है। अगर हम उसे क्राइम मुक्त करना है तो हमें पूजा करनी पड़ेगी, हमें जो है बलि देनी पड़ेगी, जिससे कि हम उस एविल स्प्रिट को जो है शांत कर सकें। इसका लास्ट पॉइंट है देयर वाज आर्बिट्रेरी पावर ऑफ मोनार्क। वहाँ पे जो मोनार्क था जो राजा था उसे बिल्कुल डिवाइन किंग मानते थे। जो राजा ने कह दिया वो एक तरीके से गॉड का आदेश है, वही उसको मानना पड़ेगा। अब मोनार्क चाहे किसी को गलत सजा दे दे चाहे किसी को ठीक सजा दे दे, उसको कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था। तो मोनार्क बिल्कुल जो है डिसीशन देने में जस्टिस करने में अपनी आर्बिट्रेरी पावर का यूज़ करता था। वो कोई फैक्ट नहीं देखता था, कोई एनालिसिस नहीं कर दिया था, जो वो कह देता था वही जो है अंतिम बात होती थी, वही उसका फाइनल ऑर्डर होता था। जबकि ये जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम किसी इंसान को ये नहीं मान सकते कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, जब तक कि वो दूसरों का जो है कंसल्ट ना करे और एक साइंटिफिक बेसिस पे जो है किसी भी क्राइम का निष्कर्ष ना निकाले कि किसने किया है, उसका सोसाइटी पे क्या फर्क है, हमें किस तरीके से पनिशमेंट देना चाहिए। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखे बिना कोई भी आर्बिट्रेरी पावर का यूज करते हुए डिसीशन देता है तो वो जो है गलत भी हो सकता है। तो इस तरीके से इनकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है बताई गई थी। तो इसी वजह से प्री क्लासिकल स्कूल में बहुत सारी क्रिटिसिज्म थी, इसी वजह से फिर इसकी नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट आया था जिसे हम क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। तो आई होप कि आपको प्री क्लासिकल स्कूल बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी किसे कहते हैं, फिर आपको प्री क्लासिफिकल जो स्कूल है उसके मेन मेन पॉइंट लिखने हैं, फिर आपको बताना है कि इंडिया में इसकी क्या पोजीशन थी, एग्जाम्पल देते हुए बताना है, फिर आपको इसकी क्रिटिसिज्म लिखनी है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मैंने लेक्चर बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया है। मेरा लेक्चर करने के बाद आपको मुझे लगता है किसी और चीज़ को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।